नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए नमन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में काला दिवस मनाते हुए किसानों ने अपना विरोध प्रकट किया। अनलॉक के दूसरे दिन दुर्ग पुलिस पैदल मार्च निकालकर कर रही है बैंकों का निरीक्षण। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि पर संस्कारधानी राजनांदगांव में संगोष्ठी सभा का कांग्रेसियों ने किया आयोजन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए नमन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि पंडित नेहरू भारत भूमि के अनमोल रत्न थे, जिन्होंने देश की स्वाधीनता से लेकर इसके नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित नेहरू जन जन के प्रिय नेता रहे हैं। आज भी भारतवासियों के दिल दिमाग में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की अमिट छाप अंकित है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित नेहरू ने देश के विकास के लिए लोकतंत्र को अपना मूल मंत्र बनाया और भारत को एक मजबूत आधार दिया। सामाजिक अधोसंरचना से लेकर सड़क, बिजली, पानी, रेलवे, विमान जैसी भौतिक अधोसंरचना के विकास के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ को पंडित नेहरू की अनुपम सौगात है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश भर में काला दिवस मनाया गया, जिसे लेकर राजनांदगांव जिला किसान संघ ने जिले में काला दिवस मनाया और जिला मुख्यालय पहुंचकर शहर के जयस्तंभ चौक में काला झंडा फहराया। सैकड़ों की संख्या में काला दिवस मनाने किसान यहाँ पहुंचे थे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर आज किसानों के द्वारा काला दिवस मनाया गया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के 6 माह पूरे होने के बाद आज देश भर के किसानों ने काला दिवस मनाया, जिसमें किसानों ने काले झंडे फहराए। किसानों का कहना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान विरोधी बिल पारित किया है, जिससे किसानों का इस बिल से नुकसान होना है और इसे वापस लेने की मांग को लेकर एक बार फिर किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें शहर के अलग अलग हिस्सों में काले झंडे बांधे गए और किसानों के द्वारा काले झंडे फहराए गए। सभी ने जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए अपना विरोध प्रकट करते हुए मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी। किसान आंदोलन के दिल्ली में आज 6 महीने पूरे हो रहे हैं और आज ही जन विरोधी मोदी सरकार के 7 साल का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आज काला दिवस मनाने का आह्वान किया है। इसके समर्थन में आज राजनांदगांव में भी काला दिवस मनाया जा रहा है और हम अपनी मांग दोहराते हैं कि जल्दी से जल्दी ये 3 कृषि काले कानून वापस ले, 4 श्रम मजदूर विरोधी लेबर कोड वापस ले, समर्थन मूल्य गारंटी कानून पास करे सरकार, डीजल, पेट्रोल और आवश्यक वस्तुओं की जो महंगाई है उस पर लगाम लगाए सरकार। इन मांगों को हम दोहराते हुए आज यहाँ पर काला दिवस मना रहे हैं। जगह जगह हमने काले झंडे लगाए हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। अनलॉक के दूसरे दिन दुर्ग पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। आम जनों के लिए बैंक आज से खुल गए हैं। बैंक में कामकाज शुरू होते ही बैंकों में भी भीड़ जुटने लगी थी। जिला पुलिस ने आज पैदल मार्च निकालकर बैंकों में जाकर सेफ्टी ऑडिट किया और सुरक्षा व्यवस्था की गार्डों को ट्रेनिंग भी दी। वहीं बैंकों में कामकाज से खाता धारकों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की। दुर्ग जिले में अनलॉक के बाद अब भीड़ सार्वजनिक जगहों पर जुटने लगी है। दुर्ग एसपी के निर्देश पर एएसपी संजय ध्रुव ने पैदल मार्च किया। 1 दर्जन बैंकों का एडिशनल एसपी ने निरीक्षण किया, साथ ही बैंकों में जाकर सुरक्षा स्थिति की जानकारी ली। आने वाले लोगों और सुरक्षा गार्ड को सुरक्षा व्यवस्था के बारे में समझाइश दी गई। बैंकों के मैनेजर से समय समय पर सेफ्टी ऑडिट कराने निर्देश दिया, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने व पूरी तरह से व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैंक में आए खाता धारकों से भी पूछताछ की। सभी से अपील किया गया कि कतार में 2 गज की दूरी बनाकर अपनी बारी आने पर काउंटर से काम पूरा कराएं।
काउंटर में ही अनावश्यक भीड़ न लगाएं। इसके अलावा हमेशा मास्क लगाएं और बैंक में जाने से पहले व बैंक से बाहर निकलते वक्त हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। आपराधिक तत्वों के द्वारा आपराधिक गतिविधियां अंजाम की जा सकती हैं और उस बात को ध्यान में रखते हुए आज ही सर एसपी सर ने निर्देशित किया था हम सबको कि बैंक की अचानक औचक निरीक्षण किया जाए, जिसमें वहाँ पर उपस्थित हुए लोगों की उपस्थिति का कारण चाहे बैंक के अंदर हो चाहे बैंक के बाहर हो वो पता करना था, आपराधिक तत्वों में डर की भावना कायम करना था और साथ में बैंक में सुरक्षा के जो मापदंड होने चाहिए, खासतौर से जो गार्ड है, सीसीटीवी है, फायर एक्सटिंग्विशर है, एटीएम तोड़फोड़ के समय जो अलार्म सिस्टम है, ये सारी चीज़ों का समीक्षा भी की जानी थी। तो आज हम लोगों ने समस्त थाना प्रभारी, समस्त चौकी प्रभारी और सभी राजपत्रित अधिकारी, सभी शहर के सभी थाना क्षेत्रों में अलग अलग टीम बनाकर बैंकों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान सभी बैंकों में कुछ न कुछ कमियां हमको परिलक्षित हुई हैं और इसकी अलग से इनके वरिष्ठ अधिकारियों के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक करके उनकी जो कमियां हैं वो उनको हम अवगत कराएंगे और साथ में उनको निर्देशित भी करेंगे चाहे माध्यम जैसा भी हो, ताकि बैंकों की सुरक्षा और बैंकों के बाहर की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया और सभी ने उनके द्वारा कही गई बातों का अपने जीवन में अनुसरण करने का संकल्प भी लिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की 97वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शहर कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें कांग्रेस जनों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार आज शहर कांग्रेस भवन में मनाई गई। इस अवसर पर संगोष्ठी सभा का भी आयोजन किया गया। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मनाई गई है, जिसमें संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया था और साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उसके बाद उन्होंने देश को आज़ाद होने में बहुत बड़ा उनका योगदान साथ में रहा, उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद उन्होंने सभी लोगों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था कैसी हो, हमको देश कैसे चलाना है, हमको गरीबों के लिए क्या क्या योजनाएं लागू करनी है, हमको शिक्षित देश के लोगों को कैसे करना है, हमको उद्योग के धंधे खोलने, लोगों के रोज़गार के लिए कैसे करने हैं और हर परिवार को कैसे काम मिले, हर परिवार कैसे सुखी रहे, सब समाज हो, सभी जात वाले सभी लोग मिलकर एक देश लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई थी, सभी समाज कैसे खुशहाल रहें, सभी समाजों के कैसे प्रगति हो, उसमें देश का लोगों का कैसा योगदान रहे, इन्होंने इतनी सारी इन्होंने योजनाएं जो लागू की उसका आज हम सब अनुसरण संकल्प लिए कि उन्हीं का अनुसरण करके और हमको कांग्रेस की जो भी सरकार है वो भी वही बातों का पालन करते अपनी योजनाओं को माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सरकार जो कर रही है छत्तीसगढ़ में उसको हम उनके कार्य योजना को आगे बढ़ाएं, जनता तक पहुंचाएं और पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के दिए गए उद्देश्य उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुसरण करते हुए जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को समर्पित करें। संगोष्ठी सभा के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर प्रकाश डाला और आज़ादी की लड़ाई सहित स्वतंत्र भारत के लिए उनके दिए गए योगदान को याद किया। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की बात कही और उन्हें उनके पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।
सेलिब्रेशन सफारी, बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बार नवापारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोमिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ दो यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ चार वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Barat Swagat, including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate, and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचकर कोविड-19 से बचाव के टीके की दूसरी खुराक ली। उन्होंने टीका लगवाने के बाद डॉक्टरों से टीकाकरण के बाद रखी जाने वाली सावधानियों की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं। जिन लोगों ने टीके की पहली डोज लगवा ली है, वे निर्धारित समय में दूसरी डोज लगवाएं, क्योंकि टीका ही कोरोना से बचाव का एक कारगर उपाय है। टीका लगवाने के बाद भी सभी लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ की सफाई करें और फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग व परिश्रम से छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। संक्रमण की दर वर्तमान में 5% के नीचे आ गई है। जनता की सहूलियत के लिए लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है। सभी लोग सावधानी को अपनाएं, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीती जा सके। बलौदा बाजार में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कोतवाली थाना इलाके के पौसरी गांव में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई है। दुष्कर्म के बाद हैवान ने गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी थी, फिर शव को कुएं में फेंक दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक 26 मई की दोपहर बच्ची घर से खेलने के लिए निकली थी, लेकिन वापिस नहीं लौटी। परिजनों ने बहुत ढूंढा, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। परिजनों ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने भी बच्ची को ढूंढा, तब उन्हें बच्ची का शव कुएं में तैरते हुआ मिला। बच्ची के साथ किसी अनहोनी की आशंका जाहिर की जा रही थी। 27 मई की सुबह जब बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया, तब शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ।
सात साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की गई थी। पहले बच्ची का गला दबाकर हत्या की गई, फिर हाथ पैर को रस्सी में बांधकर कुएं में फेंक दिया गया। कोतवाली पुलिस गांव के ही संदिग्ध युवकों से पूछताछ कर रही है। रायपुर से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। एडिशनल एसपी निवेदिता पॉल शर्मा का कहना है कि पौसरी गांव में एक नाबालिग बच्ची का शव मिला है, जिसकी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या करने की पुष्टि हुई है। नाबालिग के हाथ पांव को बांधकर कुएं में फेंका गया था। इस मामले में संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है, जांच जारी है। कल एक सात साल की बच्ची का डेड बॉडी हमको मिला था और आज उसका शॉर्ट पीएम किया गया है। शॉर्ट पीएम के बाद उसकी हत्या रेप के बाद हत्या करने की डॉक्टर्स ने पुष्टि की है। घटना के बाद शव को देखने से प्राइमा फेसी थी, उसमें चोट के निशान थे। तो इस पूरी घटना पर अभी धारा 302 और 376 का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। गाँव के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है और अगर कोई कंक्लूजन होता है तो फिर। कोविड-19 को लेकर श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने का काम एबीवीपी से जुड़े छात्र कर रहे हैं, साथ ही कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी कर रहे हैं। कोरोना काल में लगातार छात्रों की टीम विभिन्न माध्यमों से सेवा कार्य में लगी है। कोरोना का संक्रमण ना बढ़े इसको लेकर सभी भिलाई डेरा बस्ती फरीदनगर के पास पहुंचे और घर घर जाकर थर्मल स्क्रीनिंग भी की, साथ ही डोर टू डोर संपर्क पर परिवार के सभी सदस्यों का टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया। इसके अलावा कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी सभी को बारी बारी से किया। साथ ही साथ कोविड-19 से बचाव को लेकर जो शासन की गाइडलाइन है उसके बारे में भी सभी को जानकारियां दी और सभी को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक भी किया। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुर्ग जिला के कार्यकर्ता द्वारा मिशन, ये हमारा आरोग्य मिशन है। इस मिशन के तहत हम गाँव बस्ती बस्ती जाकर हम थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग हम गांव-गांव बस्ती बस्ती जाकर हम उनका टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल चेक करें और साथ ही साथ हम उनको यह और साथ ही साथ हम उन्हें टीका लगाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए हम उन्हें जागरूक करेंगे। इससे ये मकसद है कि जो गांव-गांव बस्ती बस्ती में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फीवर है, जिनको कोविड के लक्षण हैं, लेकिन वो डर के मारे और उन्हें कुछ अनुभव नहीं है, वो कहाँ जाए क्या करे, घर में रहते हैं, तो इससे क्या है उनके घर में बहुत से लोग संक्रमित हो सकते हैं। उन्हें नॉलेज भी नहीं है कि उन्हें कोविड है और जिसके वजह से वे, उन्हें ज्ञाति नहीं है कि उन्हें कोविड है, इसके वजह से वो जैसे फीवर हुआ तो वो घर में ही रहेंगे। इसके वजह से हम घर घर जाके उनका टेम्परेचर और ऑक्सीजन चेक करके अगर किसी को कोविड या ऐसे हमको लक्षण दिख रहे हैं तो हम उनको नज़दीकी अपने डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाने का सलाह दें। आप सभी से विदा लेने के पूर्व आपको बता दें कि ग्रैंड न्यूज़ का खास कार्यक्रम रूबरू देखना ना भूलें लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।